पेट में दर्द दिखाने आई थी मैं। हाँ, फिर महीने के टाइम भी दर्द रहता था। हाँ, महीने के टाइम पे बारी भी आता था महीने। फिर सोनोग्राफी में क्या पता चला? गांठ बताई। गांठ बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा महीने के दौरान दर्द था, काफ़ी ज़्यादा महीना भारी आता था, क्लॉट्स भी आते थे। तो सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि इनके 4-5 सेंटीमीटर की इतनी बड़ी गांठ है, जो कि फाइब्रो डायग्नोज किया था। तो फिर उसके लिए दूरबीन का ऑपरेशन किया गया, तो गांठ को निकालने टाइम पता चला कि वो चॉकलेट वाली गांठ है, यानी वो एडिनोमायोमा, नॉर्मल फाइब्रॉइड नहीं था, जिसकी वजह से वो इतना दर्द कर रहा था। तो वो पूरी गांठ को निकाल दिया है और दोनों तरफ की नलियां चेक कर लिया, आगे बच्चा लगने में समस्या नहीं है, आगे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों में कि बच्चेदानी में गांठ हो गई तो अब बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, लेकिन बच्चेदानी को बचाया जा सकता है और आराम से उसके बाद प्रेगनेंसी भी हो जाती है और साथ के साथ दूरबीन की जाँच भी हो जाती है, जिससे नलियाँ खुली है बंद है ये भी पता चल जाता है और बच्चेदानी को सेव करके गांठ को निकाला जा सकता है। ठीक है, वजन बढ़ा लो अपना।